राहुल दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल भारी पेट्स में। और आज जो डॉग आपको दिख रहा है ये डॉग हमारे पास हॉस्टल के लिए आया था क्योंकि इसमें हाउलिंग का प्रॉब्लम था। तो हाउलिंग बहुत सारे डॉग्स करते हैं और यूजुअली ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे हाउलिंग डॉग्स क्यों करते हैं और काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करते हैं हाउलिंग करना, तो वो हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में आज खास करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउलिंग क्या होती है और किस तरह से आप हाउलिंग उसकी रोक सकते हैं। सबसे पहले हाउलिंग जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक जो रीज़न होता है उसका वो है कि डॉग जो है दूसरे डॉग से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये वुल्फ प्रजाति से आते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कम्युनिकेशन करना होता है काफ़ी दूर डिस्टेंस पे, तो उसके वजह से हाउलिंग करते हैं। साथ में कई बार क्या होता है कि एक डॉग हाउल करना जब स्टार्ट करता है तो अल्टीमेटली बाकी के डॉग्स भी स्टार्ट करते हैं हाउलिंग करना। तो ये ग्रुप भी बताते हैं कि अपना ग्रुप कितना बड़ा होता है, तो एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरा जो चीज़ होती है वो किसी भी अपने जो पैरेंट होते हैं या जो इसे पालते हैं, जो ओनर होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हाउलिंग करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर ओनर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं उस केस में भी ये हाउलिंग करके अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती होती है हाउलिंग, जो काफ़ी सारे लोग इसे बंद नहीं कर सकते, वो होता है कि जब भी आपका डॉग कोई भी हाउलिंग करे तो आप इमिडिएटली उसकी तरफ जाके आप उसे पुचकारे नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं कि उसने हाउलिंग किया तो तुरंत ही उसके पास में जाके उसे अच्छे से हग करेंगे या पास में लेंगे या आवाज़ बंद करने के लिए ट्राई करेंगे, तो कभी भी वैसे मत कीजिए। जब भी वो हाउलिंग करेगा आपका डॉग, तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है वो है एक आपको साउंड ट्रिगर करना है। साउंड ट्रिगर का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप बाजू में थोड़ा सा आवाज़ कर दीजिए तो वो आवाज़ करने से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हाउलिंग करते हैं उस समय। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप जब भी अटैचमेंट आपकी रहे तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको उसको थोड़ा सा वक्त भी देना ज़रूरी है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी है तभी भी वो हाउलिंग करेंगे, तो उसके लिए भी ये भी ध्यान में रखिए कि आखिर में ये जो है एक पेट है, आपको जो बॉन्डिंग होनी चाहिए उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट के बाहर अगर बॉन्डिंग आपकी हो जाएगी तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो भी एक हाउलिंग का काफ़ी मेजर रीज़न है। अभी इस डॉग के साथ में भी जो पहला प्रेफरेंस है वो है कि इसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से इसका हाउलिंग स्टार्ट था। तो अभी फ़िलहाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, प्यारा है और बहुत अच्छे से ये रहता है। अभी आज के जस्ट वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Woo!
अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लोगो है इसे क्लिक कीजिए और इस पे एक रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे हमारे नए वीडियोस देख पाएंगे।